नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को ब्रेड से बनने वाली एक क्विक और टेस्टी स्नैक्स आइटम बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए स्लाइस्ड ब्रेड, उबले हुए मटर, एक बड़ा आलू, एक कटी हुई प्याज, टमाटर, ब्रेड क्रम्स, हल्दी, एक चम्मच हल्दी का पाउडर, नमक, एक चम्मच नमक का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, धनिया का पाउडर एक चम्मच, कुछ दालचीनी, ये लौंग और ये इलायची, तीन छोटी इलायची, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये मैदा, मैदे का घोल बनाएंगे हम बाद में। फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पैन गरम होने के बाद दो बड़े चम्मच सरसों का तेल हम इसमें देंगे। फिर इसमें हम खड़ी मसाले सब पहले डालेंगे। मसाले थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें एक बड़ी कटी हुई प्याज थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए रखेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर थोड़ी देर पकने के बाद, लगभग 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम इसमें हल्दी का पाउडर, नमक, ये सब ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें फिर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी देर फ्राई होने के बाद हम इसके ऊपर फिर सारे मसाले ऐड करेंगे। इसको लगभग हम 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें धनिया के पाउडर, गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। और सारे मसाले आपस में अच्छे से फ्राई होने के लिए हम लगभग 2 मिनट तक इसको धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। मसाला जब साइड से तेल छोड़ने लगे, तब ये पूरा पक चुका है, तब इसमें हम उबले हुए मटर और आलू को स्मैश करके डालेंगे। आलू और मटर इसमें अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और 10 मिनट पकने के बाद ये स्टफिंग इस तरह से दिखेगा। स्टफिंग अच्छे से पकने के बाद हम इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम मैदे का एक घोल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें, जैसे कोई लम्स ना रहे
इस तरह से एक पतला घोल मैदे का हम बनाएंगे। जिसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। फिर ब्रेड के ऊपर थोड़ा इस तरह से पानी लगाकर हम बीच में स्टफिंग को रखते हुए इस तरह से साइड में थोड़ा मैदे का घोल लगाकर हम ब्रेड को फिर फोल्ड कर देंगे और मैदे के घोल में इसको डिप करके हम फिर ब्रेड क्रम्स में थोड़ा इस तरह से चारों तरफ लपेट कर हम मीडियम हीट ऑयल में इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। हमें इसे तेज आंच पर नहीं पकाना है, धीमी आंच पर धीरे धीरे इसको पकाना है। एक तरफ गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम पलट देंगे। और आखिर में हम इसके ऊपर थोड़ा चीज से गार्निशिंग करेंगे और हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे।